हेलो दोस्तों, पाठशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए हमें अलग अलग चीजों से जुड़ने का मौका मिलता है और आजकल सोशल मीडिया के जरिए एक ट्रेंड सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, वो है क्वारंटाइन चैलेंज यानी कि दालगोना कॉफी का। हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और दालगोना कॉफी बना भी ली अपने तरीके से। तो चलिए देखते हैं हमने किस तरीके से इसे बनाया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और दोस्तों, घर में ही रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैलेंज की तरफ। दोस्तों, दालगोना कॉफी का बेस बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है गर्म पानी, चीनी और इंस्टेंट कॉफी। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी ब्रांड ले लें। सबसे पहले एक बड़े बॉल में हम 3 चम्मच इंस्टेंट कॉफी पाउडर डालेंगे और इसमें हम जितनी हमने कॉफी ली है उसकी डबल मात्रा में चीनी डालेंगे। इस बेस को आप स्टोर भी कर सकते हैं, इसका एक वीडियो हमने पहले भी डाला था, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून गर्म पानी डालेंगे। चम्मच आप एक ही रखें, जिससे भी आप शुरू से अंत तक रेशियो लें, चम्मच का इस्तेमाल सेम चम्मच का इस्तेमाल ही करें। अब हम इसे फेंटेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं हो तो आप इस तरीके का बीटर जो हम सभी के घरों में होता है उससे फेंट लें। अगर ये भी नहीं है तो चम्मच से फेंटें, बस आपको वक्त ज़्यादा लगेगा थोड़ा। मैं इस वक्त इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे हम स्लो स्पीड पर 3 मिनट तक फेंटेंगे। उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे, 4 से 5 मिनट में आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी अच्छे से फ्लफी हो गई है, काफ़ी हल्की हो गई है। अब हम ग्लासेस में इस तरीके से बर्फ डालेंगे। मैं आपको यहाँ पर 4 टाइप से कॉफ़ी बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैं 4 ग्लास रेडी कर रही हूँ। इस तरह से हम 2-2 बर्फ के टुकड़े डालेंगे, हमें ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए। यहाँ पे हम 1-1 टीस्पून पाउडर शुगर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो शुगर ना डालें। और इसमें हम रूम टेम्परेचर पे सेट दूध डालेंगे। इसमें ये दूध ना ज़्यादा गर्म है ना एकदम ठंडा। इस तरीके से हम ग्लासेस में दूध को फिल करेंगे। हमें इतना इतना ही दूध भरना है। हमने 3 ग्लास सिंपल दूध के भर लिए हैं। अब एक लास्ट वाले ग्लास में हम 1/4 टीस्पून कोको पाउडर डालेंगे और फिर उसमें दूध डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। कोको पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम एक और ग्लास में ओरियो बिस्किट डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 ओरियो बिस्किट डाल रही हूँ। इस ग्लास में हम चॉकलेट सिरप डाल रहे हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने चॉकलेट सिरप डाला है और इस दूध को हम बस जैसा हमने डाला है वैसा ही रहने देंगे। इसमें अब हम 2 टेबलस्पून भरकर जो हमने कॉफ़ी का बेस तैयार किया है उसे डालेंगे। देखिए, काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है। इसका यही सिम्टम है कि ये काफ़ी अच्छे से बीट हुई है। और इस तरीके से हम सभी ग्लासेस को फिल कर देंगे। टॉपिंग आप अपनी पसंद से जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले ग्लास को कॉफ़ी से ही सजा रही हूँ, आप देख सकते हैं। दूसरे ग्लास को मैंने चॉकलेट मिल्क का जो कॉफ़ी बनाया था उसे मैं चॉकलेट से गार्निश करूँगी। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है तो आप डेयरी मिल्क या कोई भी लोकल मिलने वाली चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तीसरी वाली है उसे मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स के साथ सजाऊंगी या उस पर टॉपिंग करूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ कटे हुए बादाम और अखरोट लिए हैं, उनसे इसे गार्निश करेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी डेकोरेशन चूज कर लें। और फोर्थ को मैं व्हिपिंग क्रीम से टॉपिंग करूंगी। आप अपनी पसंद से जैसे चाहें वैसे करें। तो देखिए दोस्तों, दालगोना कॉफ़ी हमारी तैयार है और ये बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी इस लॉकडाउन के टाइम में इसे बनाएं और इस चैलेंज में शामिल हो और दुआ करें कि हम सब अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तो चलिए जल्दी मिलते हैं।